नमस्कार मित्रों, ए प्लेस टू विजिट में आपका स्वागत है। आप यदि मेरी चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज मैं आपको एक ऐसे महल के बारे में जानकारी देने वाली हूँ जहाँ पर एक रात भी कोई नहीं रुका। 440 कमरे होने के बावजूद भी कोई नहीं रुका, ऐसा कौन सा महल है? आइए जानते हैं। दांतिया महल या सतखंडा महल या उसको वीर सिंह महल भी कहते हैं। पहाड़ी पर बना हुआ ये महल हमारी ऐतिहासिक धरोहर है जिसको बनने में 9 साल लग गए थे और इसमें एक रात भी कोई नहीं रुका, ये सोचने वाली बात है। राजा वीर सिंह ने जितने भी महल बनवाए उसमें सबसे बड़ा महल सतखंडा महल है। राजा वीर सिंह ने अपने छोटे पुत्र भगवान राव को यहाँ का राजा नियुक्त किया था। सोचने वाली बात यह है कि इस महल में कहीं भी लकड़ी या लोहे का उपयोग नहीं किया है, ये सिर्फ ईंट और पत्थर से बनाया गया है। एक बार तो ये महल देखने को बनता है। यदि आप झांसी घूमने जा रहे हो तो मध्य प्रदेश का ये किला भी आपको देखना चाहिए। ग्वालियर और झांसी जाने वाली कुछ ट्रेन यहाँ पर रुकती है और स्टेशन से आपको महल तक जाने के लिए यहाँ पे ऑटो मिल जाएगी। मित्रों, भारत में जहाँ पर भी महल आए हुए हैं, पैलेस है, हर पैलेस की अपनी एक अलग कहानी है और अपना एक नज़रिया है। देखने में आपको हर पैलेस अलग ही दिखेगा। दांतिया पैलेस में देखने लायक कई आकर्षण है जिसमें गणेश मंदिर, दुर्गा मंदिर और दरगाह भी है। इसकी वास्तुकला अद्भुत है, देखने लायक है। वैसे तो आप यहाँ पूरे साल में कभी भी जा सकते हो, पर यदि सर्दियों के मौसम में जाओगे तो अच्छा रहेगा। राजा वीर सिंह ने ये महल अपने दोस्त जहांगीर की यात्रा के चिन्ह के रूप में बनाया था, परंतु अफसोस की बात यह है कि जहांगीर यहां पे एक भी बार नहीं आया था। इस 7 मंजिला महल में कोई भी एक रात नहीं रुका। सच में ये महल बहुत अच्छा है और एक बार तो देखना ही चाहिए। पहले यहाँ पर बक्रदंत दैत्य का शासन था, इसलिए इसका नाम दांतिया पड़ा है। आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए मेरी चैनल में।